हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिया गया है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम से 2021 के पेपर से, लास्ट ईयर के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स या फिर ऑक्सोट्रॉफ्स। ठीक है, हम हमेशा एक एक ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं ताकि इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। पहला ऑप्शन है देखो हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ये रेडी टू ईट, ये रेडीमेड फूड खाते हैं, ये खुद कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें देखो कार्निवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आप जानते हो वो आते हैं, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स भी इसका एग्जांपल बन सकते हैं, इवन डीकम्पोजर्स, डेट्रीबोर्स, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ, सेकेंड ऑप्शन है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स, राइट। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल सॉरी एल्गी, प्लैंकटन, बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। दीज आर ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड मटेरियल। ओके, मूविंग टू थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज कीमोट्रॉफ्स। तो कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स बट दीज सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल यूजिंग सम केमिकल। ओके, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ अलग प्रोसेस से, अलग केमोसिंथेसिस प्रोसेस से ये अपना फूड मटेरियल बना सकते हैं। So these are a chemotrophs. Are you getting me? Moving to last option. Last option है हमारा oxotrophs. तो इन्हें समझ लो, ये जो organisms होते हैं ना, ये किसी एक nutrient, किसी एक organic compound अगर absent है, then it is ऑक्सोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म अनेबल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। मतलब ये ग्रो नहीं कर सकते किसी एक कंपाउंड की एब्सेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल है देखो, यीस्ट है जो सैकेरामाइसिस सेरेवेसी इज अ ऑक्सोट्रॉफिक फॉर इर्गोस्टिरॉल एंड ओलिक एसिड। अगर उनके न्यूट्रिएंट मीडिया में इर्गोस्टिरॉल एंड ओलिक एसिड इज एब्सेंट, देन दिस विल नॉट ग्रो, right? This is when there is a strictly anaerobic condition. ये yeast का example है। दूसरा है histidine oxotroph, organism that cannot synthesize histidine. अगर histidine oxotroph है तो histidine amino acid वो synthesize नहीं कर पाते और इस वजह से उन्हें nutrient media में हमें histidine डालना पड़ता है। okay? So इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड के ऑक्सोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्क्रीनिंग के लिए ऑक्सोट्रॉप्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अगर उन्हें ग्रो नहीं करना है तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मत डालो, सो इट विल नॉट ग्रो, राइट। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में देखो पूछा है बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है, हमने अभी देखा कि ऑक्सोट्रॉप्स है, दीज कैनॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। आई एम शेयरिंग माई मेल आईडी विथ यू। आप मुझे अगर आपके कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है बायोलॉजी सेक्शन से, तो ज़रूर मेल कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की।
इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.